हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थिविम रेलवे स्टेशन से सिर्फ 50 रुपये खर्च करके आप कैलंगुट और बागा पहुंच सकते हैं। यह वीडियो मैंने कैलंगुट से थिविम रेलवे स्टेशन जाते वक्त बनाया है और सेम यही प्रोसेस है कि आप थिविम से बागा या कैलंगुट जा सकते हैं या कैलंगुट और बागा से थिविम रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इस बार मैं 8वीं बार गोवा आया हूं, लेकिन हर बार मैं अपने पूरे अपने ग्रुप के साथ आता था और हम टैक्सी करते थे और टैक्सी करके वहां पर फिर बागा कैलंगुट पहुंच के बाइक या स्कूटी या थार बार रेंट पे ले लेते थे। इस बार पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने टोटल गोवा जो भी एक्सप्लोर किया सब बसेस पे किया है और मुझे पहली बार पता चला कि भाई आप इतने कम पैसों में आप बिना ऑटो के बिना टैक्सी के सीधा सिर्फ 50 रुपये खर्च के थिविम रेलवे स्टेशन से बागा कैलंगुट पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप थिविम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे वहां पे बाहर टैक्सी वाले बाइक वाले और ऑटो वाले वो आपके पीछे पड़ेंगे, आपको बताएंगे कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन वहां से जैसे ही आप 10 मिनट वॉक करके बाहर निकलेंगे वहां पे बस स्टॉप है और वहां से मापसा के लिए बस जाती है। थिविम से मापसा जाने का जो किराया है वो 30 रुपये है। आप 30 रुपये देके मापसा बस स्टैंड पहुंचिए और मापसा बस स्टैंड पहुंच के वहां से आप कैलंगुट के लिए बस मिलेगी जो सिर्फ 20 रुपये किराया लेगा आपसे। इस तरह आप 50 रुपये खर्च करके थिविम रेलवे स्टेशन से कैलंगुट या बागा पहुंच जाएंगे जो कि बहुत ही सस्ता है। और यह भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, 10-10 मिनट बाद 15-15 मिनट से पहले पहले बस की सर्विस जो है वो अवेलेबल रहती है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।